नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सीतेश चौहान है और माय यूट्यूब चैनल सिविल वर्क में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो मेसन इंडिया में जो मेसन का काम कर रहे हैं वो लोग को लिए जो है कि इंटरव्यू फेस करने के लिए क्वेश्चन आंसर इसमें है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाते हैं वो इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ से क्लाइंट जब जाता है, जैसे दुबई, इराक और सऊदी, यहाँ से जब क्लाइंट जाता है इंडिया में इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, मतलब दो या तीन इयर्स का जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में आप लोग के लिए बताया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आप कंक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, तो कंक्रीट कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेटर देखेंगे, बहुत जगह वाइब्रेटर मारा जाता है, तो वाइब्रेटर क्यों मारा जाता है, ठीक है। तो वाइब्रेटर इसलिए मारा जाता है कि जो भी कंक्रीट का जो एयर होता है अंदर वो निकल जाएगा, तो उसमें एयर रिलीज करने के लिए वाइब्रेटर मारा जाता है। अब उससे फायदा क्या है, जैसे कोई फुटिंग है, ठीक है, जैसे इधर कोई फुटिंग है, फुटिंग में से जो अगर वाइब्रेटर अच्छा आप मारेंगे तो उसका जो भी कंक्रीट जो आप शटर खोलेंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छा आएगा, ठीक है। उसमें गैप बहुत जगह देखे होंगे कि कंक्रीट में फाउंडेशन या फुटिंग या कोलम में बहुत जगह गैप आता है, ठीक है। तो वाइब्रेटर अगर अच्छा मारेंगे तो उसका गैप नहीं आएगा, रिपेयरिंग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बात दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू, ब्लॉक वर्क में, गल्फ की बात हो रहा है, ब्लॉक वर्क में दो ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस जो होता है कितना होता है, ठीक है। तो जो मेसन पहले से अगर गल्फ में काम किया है तो उसको पता होगा, क्योंकि वो ब्लॉक वर्क का काम किया होगा, पता होगा। अगर जो फ्रेशर मेसन है अगर जाना चाहते हैं गल्फ में, तो उन लोगों के लिए क्या है कि दो ब्लॉक के बीच में का जो गैप होता है वो 10 mm होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्लास्टर वर्क में थिकनेस कितना होता है प्लास्टर का, तो प्लास्टर वर्क में थिकनेस कितना होता है, 10 से 12 mm तक थिकनेस होता है इसका प्लास्टर का, वो भी कौन सा ब्लॉक होता है ब्लॉक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अपना छोटा छोटा अगर ब्रिक वर्क है तो उसमें क्या है कि जो फ्रेश वाल जिधर का होता है वहाँ का 10 से 12 mm होता है, और जो आउटसाइड का जो दीवार फ्रेश नहीं होता है वहाँ से 10 से 15 mm तक का भी आता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग का ये है कि जैसे जब भी प्लास्टर अगर होता है, प्लास्टर होने के बाद में उसको कितना दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्यूरिंग का जो मैटर है, जैसे क्यूरिंग में 7 दिन तक उसको क्यूरिंग करना होता है, क्योंकि उसमें 7 दिन तक क्यूरिंग नहीं करेंगे तो वो जो है कि पोपर बनकर उसका जो है कि, ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्यूरिंग करना होता है 7 डे तक। क्यूरिंग क्या होता है, उसमें पानी का जो छिड़काव किया जाता है, पानी मारा जाता है, ठीक है, 7 डे तक आप पानी मारते हैं तो दीवार बहुत अच्छा मजबूत होता है और ज़्यादा समय लॉन्ग टाइम तक उसका वो दीवार चलता है, ठीक है, वो प्लास्टर लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अलग अलग क्यूरिंग का फंडा है, जैसे कॉलम का हो गया, स्लेब का हो गया, फाउंडेशन का हो गया, तो जैसे कॉलम का भी करेंगे तो 7 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए और फाउंडेशन का भी 7 डे तक क्यूरिंग करना चाहिए। अब जो स्लेब होता है, ठीक है दोस्तों, तो जो स्लेब का जो भी क्यूरिंग का डेट चेंज होता है उसमें कम से कम 15 दिन तक क्यूरिंग करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि 1 मीटर में कितना सेंटी होता है, तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटी होता है, और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मीटर में कितना mm होता है, तो 1 मीटर में 1000 mm होता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो नीचे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करके, और जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगा कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद जिधर भी जिस कंट्री में आपको जाना रहेगा, अगर किसी चीज़ के बारे में, किसी सिविल के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसमें कमेंट करके लिंक में जाके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं।